सिंह यादव। गुरुग्राम के मेदांता में चल रहा था इलाज। नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल अहम भारत समाचार में स्वागत करता हूं। आज हमारे देश ने एक ऐसा दिग्गज नेता खो दिया जो शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी ऊंचे कद की हैसियत रखते थे। मैं बात कर रहा हूं सपा मुखिया मुलायम सिंह जी की, जिनका पिछले 10 दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन आज उनका लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। चिकित्सकों के अनुसार मुलायम सिंह जी की मृत्यु किडनी और यूरिन इन्फेक्शन के चलते हुई। 82 वर्ष के लंबे सफर के बाद वो हम सबको छोड़कर चले गए। नेताजी भारत में एक राजनेता व उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम के साथ साथ भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव का जन्म 1939 को सैफई में हुआ था। नेताजी ने अपनी पढ़ाई जैन इंटर कॉलेज करहल से प्राप्त की। मूलतः वह एक शिक्षक थे, लेकिन शिक्षण कार्य छोड़कर वह राजनीति में आए और समाजवादी पार्टी का गठन किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुलायम सिंह जी अखाड़े में कुश्ती भी किया करते थे। इटावा में खेला गया एक दाव आज भी लोगों को खूब याद है। नेताजी कभी भी अपने विपक्षियों को बुरा नहीं बोलते थे, यदि मौका मिलता था तो अच्छा ही बोलते थे। ऐसा ही एक वीडियो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए दिखे। देखिए एक झलक। प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिल जुल कर सबका ये सही है कि हम जरूरत मिले किसी को अपनी तो आपने उसी बतौर इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। फिर भी आपके देखकर न आपका कोई टिप्पणी करता, इसे विशेष। बचपन से ही मुलायम सिंह यादव प्रतिभा संपन्न थे। उनका आचरण, व्यवहार और वाक शैली प्रभावशाली थी, जिसके चलते नेताजी को काफी लोकप्रियता मिल चुकी थी। नेताजी राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से प्रभावित थे। 1966 में इटावा पहुंचाने के बाद उन्हें लोहिया का सानिध्य मिला। वह 1967 में उन्होंने लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा और जसवंत नगर सीट से उम्मीदवार बने और जीत भी हासिल की। आज जब नेताजी हमारे बीच नहीं है तो उनके घर में एक मातम सा छाया हुआ है। उनके घर के साथ साथ पूरे देश में एक मातम सा छाया हुआ है कि हमने एक ऐसा नेता खो दिया था जो समाजवादी पार्टी का ही एक आधार था। अब देखना यह है कि माननीय नेताजी के जाने के बाद उनके परिवार की स्थिति में शिवपाल सिंह यादव का क्या रोल होगा, क्या उनकी भूमिका होगी। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रतीक तिवारी अहम भारत समाचार, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन के जरिए मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले YouTube के सर्च बॉक्स में जाना है। उसमें आपको टाइप करना है प्रतीक तिवारी जर्नलिस्ट, PRATIK तिवारी TIWARI जर्नलिस्ट JOURNALIST।